पर आए पैसों का जमकर बंदरबांट किया गया है और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। अधिकारियों की लापरवाही इतनी कि आज प्रसिद्ध राम का घाट अपना अस्तित्व ही खो बैठा है। बड़े बड़े दावे करने वाला सिंचाई विभाग अब लाखों के वारे न्यारे कर रहा है और उसकी लगातार पोल भी खुल रही है। गोंडा के करनैलगंज में राम के नाम पर आए रुपयों को जमकर बंदरबांट किया गया, जिसके कारण ऐतिहासिक सकरौटा घाट आज खंडर में तब्दील हो चुका है। पहले कभी सरयू नदी का पानी यहां तक पहुंचता था, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के घोटालों ने आज प्रसिद्ध सकरौटा घाट का वजूद ही खत्म कर दिया है। हम इस समय मौजूद हैं करनैलगंज के सकरौर घाट पे। पौराणिक मान्यता है कि ये वही घाट है जहाँ पर भगवान राम की जो मुलाकात है वो अगस्त ऋषि से हुई थी और यहाँ पे भगवान राम यहाँ पे रहे भी थे कुछ दिन तक, जिसके बाद से इस पौराणिक स्थल के विकास को लेकर के दावे तो बड़े बड़े किए गए लेकिन आज तक यहाँ ढेला भर काम नहीं हुआ है। आप मेरे ठीक बाएं हाथ पे देख सकते होंगे कि एक ये नहर टाइप की एक आई हुई है और ये नहर, इसका पर्पज ये था कि यहाँ पे कभी सरयू जी बहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनका पानी भी यहाँ पे आना बंद हो गया, जिसके बाद लगातार शासन में इसकी पैरवी की गई और ये हुआ कि इस नहर को खोला जाए और इससे जो पानी है वो लगातार यहाँ पे आता रहे, ताकि इसकी जो मान्यता है वो जो सैकड़ों साल पुरानी मान्यता है वो लगातार बनी रहे और किसी प्रकार का इसके अस्तित्व को कोई खतरा ना हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ के नेताओं ने यहाँ की उपेक्षा की, जिस तरह से यहाँ के घोटालेबाजों ने इस पूरे इस घाट को लेकर के जितना बड़ा घोटाला किया, वो आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि कहीं पर भी इस घाट के विकास को लेकर के कोई भी चीज़ें यहाँ पे दूर दूर तक आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी। सपा सरकार में यहाँ पे 38 लाख रुपए भेजे गए थे, लेकिन इस 38 लाख रुपए से यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। हाल ही में इस पूरी जो ये जगह है यहाँ पे इसकी साफ सफाई होनी थी और उस नहर के दरवाजे को पूरी तरीके से खोला जाना था, ताकि जो सरयू जी का पानी है वो यहाँ पे घाट पे आ सके, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं हो पाया है और पूरे का पूरा पैसा जो था वो घोटालेबाजों ने हजम कर लिया। सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड के कारनामे से राम के नाम पर आए पैसों का जमकर बंदरबांट किया गया, बिना सिल्ट सफाई के ही सारा पैसा हजम कर लिया गया। लाखों रुपए सरयू ड्रेनेज खंड ने डकार लिए, जिससे सफाई न होने से सकरौटा घाट आज वीरान पड़ा है। 20 साल पहले सकरौटा घाट को पर्यटन स्थल का दर्जा मिला था, 84 कोसी परिक्रमा में भी सकरौटा घाट आता था, लेकिन एक्सीएन ड्रेनेज खंड राधे श्याम की गणित फेल होने से सब कुछ वीरान हो गया। क्या है यहाँ का वजूद, क्या है अस्तित्व, क्या है, और दूसरी चीज यहाँ जो पानी है वो क्यों नहीं आ पा रहा पानी? ये जो पांडे जी हैं मछली पालन के, तो ये पानी उसी वजह से नहीं आ रहा है। जो खोलना चाहिए था वो पानी उतना खोल नहीं रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोज आते हैं लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए, तो वो भी पानी नहीं आ रहा है। जो ये बारिश की पानी है वही मौजूद है, बाकी जो पानी जो आना चाहिए था, जो खोला गया था, सरकार ने जो कहा था, वादे लिए थे, बड़े बड़े वादे लिए थे, वो भी नहीं खोला गया और ना ही पानी आ रहा है। ये पूरा जो स्थल है, बताया जाता है कि 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है और ये जो स्थान आप देख रहे होंगे यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मेला, किसी ना किसी तरह का धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे होता रहता है। लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ की स्थिति है वो आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पे कि कहीं भी किसी प्रकार का यहाँ ना तो कोई विकास हुआ है, ना यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम किया गया है, जिसकी वजह से ये जो पौराणिक स्थल है, इसकी जो धरोहर है जिले की माना जाए एक प्रकार से, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व जो है वो खोती जा रही है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा।